यार माय लव आई कुडंट एग्री एंड देन अच्छा और इसके बाद जब मैंने कंफर्मेशन भेजा तो ऑल थ्री ऑफ देम सेट एक्साइटेड सवेरा इवन आस्क्ड मी बाकी भी आ रहे हैं ना शी डिडंट वांट टू सिट विद मी अलोन आई वाज अ लिटिल ऑफेंडेड बाय दैट आई वाज लाइक हां मैं कब बातें कर ली मैंने यार ये अच्छा शी मैं बता शी रियली आस्क्ड मी लाइक बाकी भी आ रहे हैं ना राजा दी अदर फ्लोर मैंने कहा मैं इतनी खौफ लग रही हूं मैंने कहा जी जी सब आ रहे हैं हां क्या हाल चाल हमारी ऑन कैमरा वो होगी दुश्मनियां चल रही होंगी ऑफ कैमरा बड़ा मजे का हो गया लाइक ग्रेट टाइम नहीं नहीं वो तो पता चल ही रहा था ब्लास्ट बहुत मजा आया था लेकिन फैन रिएक्शन या ऑडियंसेस का रिएक्शन कैसा आ रहा है क्या आप लोगों को फीडबैक मिल रही है बाहर जाते हैं तो लोग कुछ कहते हैं आपके साथ कुछ बुरा भला कहते हैं कोई बुरा भला तो नहीं इट्स इट इज़ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक आइडिया था कि ये जिस किस्म की स्टोरी है पहले शुरू में था कि अच्छा मे बी इट्स टू एक्सपेरिमेंटल के बीच में हुआ कि नहीं यार इसमें तो कुछ मसाला है फ्लेवर है तो ये तो शायद क्लिक कर जाए ऑडियंस के साथ बट रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड वॉज जस्ट एब्सोल्युटली शॉकिंग तो उसमें क्या था कि उसमें जब फिर मैंने कहा चलो ये तो पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट बट ये नहीं पता था कि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर इट एज वेल एंड प्ले की तारीफ हो रही है मुझे बड़ा अच्छा लगा एवरीबॉडी से कि प्ले बहुत अच्छा जा रहा है एंड देन दे से कि एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस एवरी कैरेक्टर पीपल आर रिलेटिंग एंड दे आर जस्ट एब्सोल्युटली के यार हां हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है एंड आई लाइक द फैक्ट कि एवरी कैरेक्टर की एक वो जगह बनी हुई है फ्रॉम योर फादर एंड मदर सन एवरीबॉडी इवन मार्था आई नो आई लाइक यू आर सो राइट लाइक मार्था के साथ भी आपको कोई कनेक्शन कुछ वो एक यू नो फीलिंग आती है उसकी तरफ भी एंड आपकी ये बात इतनी सही है कि इवन मासूमा दो इट्स अ वेरी वेरी ग्रे या नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है लेकिन उसकी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसपे आप कहते थे यार शायद इस वक्त मासूमा जैसे वो पूरा वीडियो वाला सीन यार मासूमा के साथ शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था तो ड्रामा कॉन्स्टेंटली ना हमें हर कैरेक्टर के बारे में यू नो ऊपर नीचे हमारी फीलिंग्स कराता रहा है तो वो एक डिफरेंट तरीके की आपकी इंटरेक्शन होती है कैरेक्टर्स के साथ वो उसके जो शेड्स हर कैरेक्टर के आई डोंट थिंक एनी कैरेक्टर इन बिस्मिल इज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट रोजी मार्था वह बेचारी है उसको हाय वो सीन पर कितनी अजियत से किया था यू वेंट ऑल आउट बाय द वे आई वाज लाइक क्या गसीन क्या भयंकर ऐसे मैंने कहा तुमने फुल गुस्सा करना इसको उठा के वहां पे फेंक दे बाबा मैंने उससे जाके रोजी से पूछा मैंने कहा बात सुनो मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा धक्का दूंगी ना नहीं आप मुझे फुल धक्का देंगे इट वाज अ गुड सीन जिसमें आप एक्टिंग में एक्टिंग कर रहे हैं दैट्स अ डिफिकल्ट सीन टू परफॉर्म And kudos to her, उसने वो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें हल्का सा दूंगी तुम लोग खुद जाके करना है नहीं एक और बात आपकी बात से जो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं अदर देन द लीड कास्ट दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब लाइक हम सबको वी आर वेटिंग ये जाके कब बताएगी इनमें से कोई यू नो रेहम को कि कब बताएगी यू नो इसी तरह मार्था का कैरेक्टर कि उसका क्या रोल होगा इवन वो जो बंदा ऑफिस में हु सिटिंग अक्रॉस मासूम में भी लाइक अब फिर लंच पे बोलेगा कुछ सो यू नो एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब एंड somehow हर किसी के इंपॉर्टेंट वो एसएन का अपना भी एक स्किल है कि वो उसको एक्टिंग करवानी भी आती है बट आपको क्या लोग बोल रहे हैं कि यार गन क्यों निकाल ली या उड़ा दो या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं क्या हो रहा है तुम्हें एहसास जब आप आए जा रहे हैं या आपको आके सब लोग हग करें कि तुम अच्छे बेटे हो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इस पे कि उसको हां इतना गन क्यों लेके गया वो बट उसके लिए हमें कैरेक्टर की एक जर्नी देखनी है उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी एक सेंसिटिव कैरेक्टर है और हमने ये चीज़ शुरू से शो की है कि ही गेट्स एजिटेटेड और उसको एकदम से अजीब सी फीलिंग होती है जब भी माँ बाप की लड़ाई देखता है और अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट तो जब भी उनके बीच में लड़ाई होती है ही गेट्स वेरी एंशियस एज वेल ही इज़ अ फिक्सर उसको हमेशा से चीज़ें अच्छी नज़र आई तो वो उसको फिक्स करने में लग जाता है और हाँ वो सेंसिटिव है इसीलिए उसने इतना बड़ा रिएक्शन शो कराया और वो शुरू से ये बात बता भी रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा तो अभी देखना शुरू कर दिया था यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कोई गन नहीं है अच्छा आई लाइक द फैक्ट कि हरीम ने उसको हल्का सा ना शुरू में स्पेशली स्लाइटली फनी सा एक वो दिया हुआ है वो उसकी अपनी पर्सनालिटी शायद बीच में आ गई शी कुडंट रेजिस्ट इट आई लाइक दैट हल्का सा एक वो उसमें टाइमिंग भी आ रही है बिट ऑफ अ humorous flavor comedy type thing in the beginning I asked Aisan bhai I told him I was like ki yaar ye to bada lethal character hai maza to aayega bahut karne mein dekh le ki
शुगर भी लगाते हैं क्योंकि जो हरकतें कर रही है ना एक्चुअली काइंड ऑफ शी इज सो कॉन्फिडेंट आल्सो अबाउट ओवर कॉन्फिडेंट कि शी इज लाइक मैं ऐसी ही हूँ गलत वाला कॉन्फिडेंस है उसका That can also come across as funny. लेकिन उसने अपने ज़हन में उसको justify किया है, जिसपे हम अभी बात करते हैं, उसका एक dialogue है, वो मुझे बहुत interesting लगा. But वो जो पूरा था कि वो मूसा से मिलने से पहले भी और टीटी से मिलने से पहले भी ना अपनी वो निकालती है शीशा, वो छोटा सा मिरर निकालती है और लिपस्टिक फौरन ना फ्रेश करती है, ये लिखा हुआ था, ये आपने खुद एड किया, लाइक How did that come about? I want to know that. So basically for somebody like Masooma, मैंने कहा अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये करती तो होगी, अपना ख्याल तो रखती होगी, एंड फॉर हर मेकअप इज समथिंग प्रॉबेबली वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं उसके लिए उसके बगैर निकलती होगी, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट शी कैन नॉट हैव अ मिरर. और मैंने यूजुअली देखा है ये बहुत लोगों में कि कुछ खवातीन होती हैं अनफॉर्चुनेटली जो करती हैं अपने आप को पहले प्रिपेयर, दे नीड टू सी हाउ दे आर लुकिंग एंड हाउ व्हाट आर दे गोना से एंड व्हाट आर दे गोना डू, एंड मासूमा इज दैट कैरेक्टर, शी वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड, शी वांट्स टू नो. तो वो शीशा निकलता था उसकी लिपस्टिक आई नो ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ना टू द पॉइंट, वो परफेक्ट करके फिर वो अटैक करने जाती थी इस्लाम. वाज इट योर पेप टॉक टू योरसेल्फ दिस वन, अब मैं हां ये करके अपने आप को देखना फॉर योर कैरेक्टर. वो उसका वो देख के ना शीशे में देख के वो था बीच में, वो आता था कि हाँ अच्छा, वो दो तीन दफा मैंने कहा बाद में ऐसे मेरे को मैंने कहा ये भी बोल देती मैं कह रही हूं बहुत हसीन लग रही हो तो चलो चलो वेरी गुड. वो एक जगह सेल्फ टॉक तो कर रही होती है उससे पहले कि वो प्रिटेंड कर रही होती है जब राम से मिलके आती है कि मैं इस तरह ऑर्डर करूंगी और चैरिटी की बात कर रही होती ना, क्या इतने ये दे दो इसको दे दो, वो पूरी करती है दैट्स इवन बिफोर टीडी के साथ उसका कुछ स्टार्ट होता है, मतलब इन हर हेड शी इज मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ बेगम शाह बन चुकी है, उसको अपने क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स पता थे शुरू से, मतलब जब व्हेन शी सीज रेहम शी इज लाइक ये ही मेरी लाइफ है, दिस इज व्हाट आई वांट and this is how I want to be, so this is probably how they are in real life as well. Yeah, ye itni charity hai karodon ki de ho, ye to charity hai. Lekin kya Masooma rukegi yahan pe agar TT se bada usko mila koi chance to wo phir kya khayal hai ye dekhne ke liye, aap ye janne ke liye dekhiye har budhwar jumrat ko, but that would be very predictable kyunki usually dikhate aise hi hain ki wo TT jaise logon ka yahi maqafat amal hota hai ki wo जो होती है उसको छोड़ के किसी और के पास चली जाती है, फिर उसे रियलाइज होता है कि ओ आई मेड द रॉन्ग डिसीजन. लेकिन अब तक बिस्मिल हैज बीन डूइंग थिंग्स जो प्रेडिक्टेबल नहीं थी, सो आई एम होपिंग कि वो कुछ और दिखाएं. आई डोंट थिंक मासूमास कैरेक्टर इज लाइक दैट, शी इज नॉट आउट फॉर ऑल शी कैन गेट टाइप की भी नहीं है, she's an opportunist but with in she's still been brought up by decent parents. That's a very interesting point ki wo kahin na kahin wo zarur karegi, ha chahe wo hamare standard ke mutabik nahi ho lekin wo jo maa baap ki wo hai wo kahin na kahin usko shayad koi line to draw ho, line to ye bahut interesting hai, I never thought like that ki ha ye janne ke liye dekhiye har budhwar jumrat ko ARY digital pe hari bole 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 aise. I really want to know ki Masooma ki zyada relationship uske dad ke sath achhi thi ya mom ke sath. Who was her favorite? The favorite one was dad. Dad, yeah. He used to spoil her, and he's the one who said that. उसको create भी बाप ने ही किया है. तो वो माँ तो पैसा देख के